हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल गाइस। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। तो गाइस देखिए, आज मैं आपको लेकर आई हूँ हरिद्वार में और एक बहुत ही सुंदर आश्रम दिखाने के लिए लेकर आई हूँ आपको, जिसका नाम है शांति कुंज आश्रम। और अभी मैं बिल्कुल आश्रम के मेन गेट के सामने ही खड़ी हूँ गाइस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो गाइस आप? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रैवल विद मी पटारी अवर्स। हाउ आर यू टू ऑल? आई होप दिस माय वे आई डिवोर आई सराउंड इफ इट हर्ट्स यू जस्ट अ लिटिल देन इट हील्स यू व्हेन इट्स डन डिसअपॉइंटमेंट इज द एंकर रेजोल्यूशन इज द सन। तो चलो चलते हैं इसके अंदर और एक्सप्लोर करते हैं इसको, और व्लॉग में बने रहना हमारे साथ साथ लास्ट तक। ओके, तो चलो मिलते हैं आपसे आगे जाकर और देखते हैं कैसा है ये आश्रम। और हम भी आज इसका पहली बारी विजिट कर रही हूँ मैं, तो देखते हैं हमारा फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस कैसा रहने वाला है। ओके, स्टे ट्यून। ये देखिएगा, इस सामने से एक व्लॉगर भी जा रहे हैं जैसे ही मैंने एंटर किया, और ये गेट से पूछ रहे हैं। अभी आ रहे हैं आप? हाँ अभी आए हैं। कहाँ से आए? हम दिल्ली से आए हैं। 5 नंबर गेट से एंटर हो चुकी हूँ और यहाँ पर ये ऑफिस है। यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड की फोटो कॉपी दिखानी होगी, आधार कार्ड है तो वो भी दिखा सकते हैं, और यहाँ से आपको पास बनवाना पड़ेगा। पास बनवाने के बाद ही आप एंटर कर सकते हो। तो चलो एंटर करते हैं अंदर। और अगर आपके पास ये कोई अपना व्हीकल है, गाड़ी वगैरह है, तो आपको यहाँ पर भी आना होगा। इस वाले काउंटर पे भी इंक्वायरी वगैरह कुछ करवानी होगी। तो चलो, ये गाड़ियाँ खड़ी है यहाँ पे, पार्किंग है शायद, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे गाड़ी खड़ी है। आगे की स्कूल बस भी लग रही है मुझे, और काफ़ी सारी यहाँ पे बाइक भी, टू व्हीलर भी है, मतलब बाइक भी है, फोर व्हीलर भी हैं, तो आप यहाँ पर अपना व्हीकल वगैरह खड़ा कर सकते हैं। और गाइज, इन्होंने ये जो पास बना के हमें दिया है, इसका तो इन्होंने कोई चार्ज नहीं लिया है, बट और आपको आधार कार्ड की कॉपी दिखानी होगी, अपना आधार कार्ड दिखाना होगा। और चलो देखते रहिए। और गाइज, आज मैं भी यहाँ पर फर्स्ट टाइम ही आ रही हूँ इस वाली शांति कुंज आश्रम में, क्योंकि मैंने नाम बहुत सुना है इसका, बट विज़िट आज मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पर। और देख सकते हैं आप, काफ़ी सारे लोग बाहर बैठे हुए हैं अपने सामान के साथ, और अभी आ भी रहे हैं कुछ लोग जाने के लिए। ये है स्वागत कक्ष, रिसेप्शन। यहाँ पर मार्गदर्शन अधिकारी, अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें। तो देखिए, जो कोई नया बंदा है लाइक मी, तो यहाँ पर जाकर मैं एक बार कोशिश करती हूँ कुछ पूछने की, कहाँ जाना है, कैसे हमें। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये पूछताछ काउंटर है गाइस। तो देखिए, इतने सारे लोग हैं पूछताछ के लिए। ये टीवी वगैरह लगा हुआ है। देखिए गाइस, इस तरह के यहाँ पे काउंटर बने हुए हैं, तो यहाँ से मैंने पूछा है, तो ये लोग कह रहे हैं कि जो अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो, ये देखिए हवन हो रहा है, इस तरह से यहाँ पे हवन होता है, जिसे टीवी में दिखा रहे हैं इस वक्त। तो चलो, बाहर आ चुकी हूँ मैं, और गाइस मैंने इनसे पूछ लिया है, तो इन्होंने मुझे बोला है कि लेफ़्ट होकर जाना है अगर मुझे कैंटीन में जाना है। तो चलो देखते हैं, पहले कैंटीन में चलते हैं या फिर कहीं और, क्योंकि मेरा भी यहाँ पर फर्स्ट टाइम है, तो मुझे भी नहीं पता, मेरे लिए भी बिल्कुल नया है सब कुछ। तो ये इस तरह से यहाँ पर ये गाड़ियाँ भी लगी हुई है, शायद ये पूरे आश्रम में बैठा कर आपको घुमा सकते हैं, आई थिंक, बट मे बी नॉट श्योर। तो देखो, पूछना पड़ेगा इन गाड़ियों के लिए भी, और ये लोग भी जा रहे हैं, तो मैं भी अभी इनके पीछे पीछे ही जा रही हूँ। तो आप देखते रहिए और बने रहिए व्लॉग में। ये देखिए, यहाँ पे इस तरह के डस्टबिन भी रखे हुए हैं, तीन तीन डस्टबिन रखे हुए हैं गाइस एक साथ। ये देखिए, हाँ जी, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आ जाओ आप। तो देखिए, आप लोग कहाँ से आए हो? बिहार से आए हो? प्रयागराज से आए हो आप लोग? अच्छा, तो कैसा लगा आके? पहली बार आए हो? पहली बार। अच्छा, तो हरिद्वार घूम लिया पूरा? हाँ जी, हाँ। ट्रैवल विद नीलम कटारिया वर्ल्ड, क्या नाम से? ट्रैवल विद नीलम कटारिया वर्ल्ड, हाँ। कैसा लगा यहाँ पे आके? अच्छा, एक अच्छा एक्सपीरियंस है। ओके, गुड डे, बाय, थैंक, बाय। तो देखिए गाइस, कितने अच्छे लोग हैं, कितने प्यार से मिलते हैं, और बहुत ही अच्छे लोग हैं। देखिए, यहाँ पे भी दो डस्टबिन रखे हुए हैं, और इस तरह से यहाँ पे इन्होंने ये लिख रखा है, जो भी यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि
संस्कार प्रकोष्ठ, गायत्री मंदिर और समाधि स्थल, भोजनालय और जलपान गृह, अस्पताल। और ये इधर भी कुछ इन्होंने दिया हुआ है, देख लेना आप। दुर्गा भवन, सिद्धि भवन, यहाँ पे ये भवन वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। अगर आपको हवन वगैरह करवाना हो तो गाइज ये भी इसी तरह हवन से रिलेटेड इन्होंने हवन पंडाल, शेड स्टोर, गद्दा स्टोर, द्वार नंबर 1, 2, 3, 4 ये सब ऐसे यहाँ पे लिख के आपको इंस्ट्रक्शंस के लिए दिया हुआ है। तो चलो चलते हैं आगे। और गाइज ये है तो काफ़ी बड़ा, नो डाउट। ये देखो स्वावलंबन कार्यशाला ये लिखा हुआ है ना वहाँ पे, बहुत बड़ी है गाइज, वाकई में ये बहुत बड़ी है धर्मशाला। तो चलो चलते हैं आगे। और गाइज ये भी शायद ब्लॉगर ही हैं, ये देखो कैमरे का पूरा सेटअप लगा कर जा रहे हैं अपने साथ। और ये शौचालय है, यानी कि वॉशरूम जेंट्स और लेडीज़ महिलाएं दोनों के लिए है, मेल फीमेल के लिए, देख सकते हैं आप। ठीक है, आ जाओ। छह अरे मम्मी पहनो यार। तो देखिए गाइस बहुत ही काफ़ी बड़ा है और काफ़ी अच्छा है गाइस, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पर ख़त्म करूँ। बहुत ही गाइस ये कैंटीन है सामने ही, तो आ गई हूँ मैं कैंटीन में। सबसे पहले कैंटीन ही मिली मुझे देखने के लिए, तो मैंने कहा चलो कैंटीन में ही चल के दिखाया जाए आपको। खाने का तो काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है, यहाँ पर चाय वगैरह मिल रही है और लोग ले भी रहे हैं। तो चलो अभी देखते हैं चल के कि क्या क्या मिलने वाला है यहाँ पर। ये देखिए ये कूपन काउंटर है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे, यह है काउंटर केवल शांति कुंज के कार्यकर्ताओं के लिए ही है। ओके, ये तो स्टाफ वाला है गाइस, आई थिंक ये स्टाफ वाला है। तो चलो ये लोग इधर बैठे हुए हैं और ये अपना लंच वगैरह ले रहे हैं। तो चलो हम भी देखते हैं उस तरफ, देखते हैं क्या क्या है। और शायद ये कूपन काउंटर छोले भटूरे रखती हूँ 12:30 बजे से। तो देखो गाइस ये लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है उन्होंने, ये लिखा है सुपर वैनिला 10 रुपये, कुल्फी आइसक्रीम भी है, चौक बार भी है 10-20, ये है दोपहर का नाश्ता है 11 बजे से 8:30 बजे तक है शाम के, आलू पकौड़ा 8 रुपये प्रति नग लिखा हुआ है, आलू कचौड़ी 20 रुपये, ब्रेड पकौड़ा 10 रुपये, दाल ढोकला 160 रुपये किलो, गुलाब जामुन 14 रुपये का प्रति है, यानी कि एक गुलाब जामुन का पीस है 14 रुपये का, देख सकते हैं आप ये पूरा मेन्यू। ठीक है, यानी कि पानी पूरी 10 रुपये प्रति, यानी कि एक पीस होगा 12:30 से 8:30, 20 रुपये प्रति प्लेट 12:30, दही पापड़ी 20 रुपये। और यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है, प्रातः नाश्ता 6:30 बजे से 10:30 बजे तक ये नाश्ते का है, इडली सांभर 8 रुपये है शायद, बड़ा सांभर 10 रुपये और डोसा सांभर 30 रुपये, आलू पोहा 8 रुपये, जलेबी प्रति किलो 1 किलो जलेबी है 30 रुपये की और पेटीज है 10 रुपये की। और गाइस अंकुरित है 5 रुपये का और पेस्टी लिखा हुआ है, पेस्टी है 12 रुपये। ठीक है, तो चलो देख लो आप, अगर आपको इसको पढ़ना होगा तो स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं आप। ठीक है, ये पूरा मेन्यू मैंने आपको दिखा दिया है। तो चलो अभी आगे चलते हैं और देखते हैं और लोगों को देखते हैं गाइस क्या क्या मिल रहा है। ये देखिए इस तरह के यहाँ पे डस्टबिन रखे हुए हैं, ये देख। तो गाइस यहाँ पे खाने का सामान है, ये इस तरह से सामान मिल रहा है, देख सकते हैं आप, ये प्लेट्स वगैरह हैं, यहाँ पे खाना बना, छोले भटूरे हैं यहाँ पे, छोले रखे हुए हैं। और चलो आगे चल के देखते हैं, ये देखिए इस तरह का ये है छोले भटूरे वगैरह, ये सामने भी लिखा हुआ है। कचौड़ी और क्या है गाइस, इस टाइम पे यही सब चीज़ें हैं, देख सकते हो आप। ये क्या है, ये देखिए ये वो है गाइस, मेरे को याद नहीं आ रहा इसका भी, ढोकला, ये देखिए ढोकला ये, ठीक है। और ये इस तरह से, चलो अब कुछ देख लेते हैं, ये कॉफ़ी मशीन भी है गाइस, आप चाय भी ले सकते हो और कॉफ़ी भी ले सकते हो। देखिए ये लोग सब सर्व कर रहे हैं,
ठीक है। और ये डस्टबिन है बड़े बड़े दिखाई दिए मैंने आपको, फायर ब्रिगेड के लिए ये भी लगे हुए हैं। और ये देखिए सामने की भी एक कैंटीन है, तो चलो। और ये देख सकते हैं आप लाइन कितनी लंबी लग गई है टोकन के लिए। पहले आपको यहाँ से पर्ची लेनी होगी जो भी आपको सामान खाना है उसके लिए, और उसके बाद में आपको आगे भी सामान मिल जाएगा। यहाँ पे बैठ के भी खा रहे हैं कुछ लोग, देखिए अरेंजमेंट दोनों तरफ है, यहाँ पर भी है वहाँ पर भी है। और अब हम कैंटीन के गेट से बाहर आ चुके हैं, तो देखते हैं गाइज अभी और क्या क्या देखने के लिए मिलता है, मुझे खुद नहीं पता। और गाइज ये इतना बड़ा है ना कि मैं खुद ही कन्फ्यूज़ हो रही हूँ कि कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ, कौन सा मतलब इसका पोर्शन कैप्चर करूँ। बस आप देखते रहिए, अभी मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगी, आप खुद से देखिए। देखिए माँ गायत्री का कितना प्यारा इन्होंने ये बना के लगाया हुआ है ना यहाँ पे पीछे। हाँ ये तो वो है, ये देखो स्लाइड हो रही है ना अलग अलग पिक्चरें इस पर। ये देखिए गाइस कितना बड़ा है यार, ये बहुत ही बड़ा है। तो देखिए गाइस ये यहाँ से ना आप रजाई गद्दा ले सकते हो, लिखा हुआ है रजाई गद्दा स्टोर। काफ़ी ये देखो यहाँ पे भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी हुई है, लिख के रखी है, आपको पढ़ना है तो आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। आई थिंक वही है जो बाहर मैंने दिखाया था, वही इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर भी। काफ़ी सुंदर है। तो देखिए गाइज ये अब मैं आपको आगे लेकर जा रही हूँ। और यहाँ से हम जा रहे हैं उस दीपक को देखने जो कि अखंड ज्योत के नाम से जाना जाता है। गाइस कहते हैं उस दीपक की बहुत ज़्यादा मान्यता है, 98 ईयर्स से वो ऐसे ही जल रहा है। और गाइस मतलब अब उसको 100 ईयर्स पूरे होने वाले हैं कुछ टाइम बाद, तो आप देख सकते हो ये पूरा रास्ता मैं आपको दिखा रही हूँ। अनुदान काउंटर है, डोनेशन काउंटर यहाँ पे, वेद माता गायत्री मंदिर। ये देखिए गाइस ये इस तरह से बना हुआ है, पूरा दिखा रहे हैं आपको हिंदुस्तान जो है। ये है संस्कार प्रकोष्ठ, ये देखिए गाइस इस तरह से है ये। चलो गुजरात जोन अलग अलग इन्होंने, कहीं राजस्थान का बना हुआ है, कहीं गुजरात का। शांति को दिनचर्या, वेद माता गायत्री मंत्र। ये देखिए जूते चप्पल है यहाँ पर निकालने का। तो गाइस चलो पहले यहाँ पे अपना शूज़ रिमूव कर देते हैं। ये देखिए कितना बड़ा इन्होंने शू रैक यहाँ पे लगाए हुए हैं बहुत सारे, जहाँ पर आप अपने जूते चप्पल उतार सकते हो, देख सकते हो आप। तो मैंने भी अपने शूज़ रिमूव कर दिए, तो चलो अब अंदर की तरफ कोशिश करते हैं जाकर वीडियो बनाने की। और ये यहाँ पे पीने का पानी है, और आई थिंक ये वॉशरूम भी है, देखिए एक और वॉशरूम है यहाँ पे। तो गाइस वॉशरूम तो काफ़ी सारे हैं, और ये ऑफिस है शायद, इस पर लिखा है दक्षिण भारत जोन। ये देखिए गाइस कितना प्यारा लग रहा है ना एलिफेंट, बहुत सुंदर। ये देखिए गाइस ये देखिए गाइस कितना सुंदर बना हुआ है ना, बहुत ही सुंदर बना हुआ है गाइस। ये देखिए ये शांति कुंज की दिनचर्या है, सामने लिखा हुआ है महिलाएं जागृत अभियान। ये देखिए मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखा देती हूँ, ये देखिए देख रहे हो। अगर आप लोगों को पढ़ना होगा तो स्क्रीनशॉट लेके गाइस आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो देखिए गाइस कितना प्यारा लग रहा है, ब्यूटीफुल ना, बहुत ही सुंदर है आश्रम। ये सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत सुंदर आश्रम है गाइस।
तो देखिए गाइस, और आगे लेकर जा रहे हैं हम आपको। हमें जाना है अखंड द्वीप वाली जगह पर, हमें अखंड द्वीप को देखना है। ये देखिए पत्राचार कार्यालय है यहाँ पे, ये ऑफिस, ठीक है। ये वेटिंग हॉल है गाइस, ये देखिए ऊपर से उतर रहे हैं ये लोग। तो देखिए गाइस, अब हमें ऊपर से जाना है अखंड द्वीप दर्शन के लिए। तो गाइस हमें यहाँ से जाना होगा अखंड द्वीप दर्शन के लिए। तो देखिए गाइस, यहाँ पे ये पानी का और एक आपको कूलर मिल जाएगा, पानी का टैप भी है। और ये सामने ये लेखा कार्यालय, और ये है अब्रॉड सेल यानी कि विदेश विभाग, और ये है विधि प्रकोष्ठ। ठीक है, देखिए ये है यहाँ पे, ये ऑफिस बने हुए हैं यहाँ पे, तीन चार ऑफिस है। ये सिटिंग अरेंजमेंट है यहाँ पे बैठने का, ये पर्दे लगे हुए हैं, काफ़ी सुंदर है गाइज। और ये देखिए, ये पीने का पानी भी है, और गाइज ये टैप भी लगा हुआ है यहाँ पे। तो चलो दिखाते हैं आपको आगे भी। और ये एक गेट है, ये गेट नंबर एक है गाइज, सामने आप देख रहे हैं, ये गेट नंबर एक है, ये सिक्योरिटी ऑफिस है। तो देखिए गाइस, इन्होंने गमले कितने प्यारे प्यारे लगाए हुए हैं ना, बहुत सुंदर गमले हैं, और क्यू में लगा रखे हैं पूरे। और बीच में इन्होंने कहीं कहीं पर ये डस्टबिन भी रखे हुए हैं इस तरह के। और ये देख लीजिए, गायत्री मंत्र के शब्दों का दिव्य देश, दिव्य संदेश, अर्थ, मंत्र का विज्ञान, ये सारा इन्होंने ऐसे कुछ यहाँ पर लिख कर रखा हुआ है, काफ़ी सुंदर लगाया हुआ है। ये पानी के नल है यहाँ पर, तो देख लीजिए गाइस, ये सामने भटका हुआ देवता है, ये देख लीजिए गाइस भवन ऊपर भी देख लीजिए, पूरा कश्यप भवन ये देख लीजिए गाइस, ये देखिए। तो चलो गाइज, इधर की तरफ चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे भी कैंटीन है लिखा हुआ है सामने। तो चलो देखते हैं यहाँ की कैंटीन कैसी है। तो अभी हम आ चुके हैं इस कैंटीन में, पहले तो वो पहली कैंटीन थी जो मैंने आपको दिखाई, ये दूसरी कैंटीन है गाइज। तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ क्या क्या मिल रहा है। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर इन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ है, और देखते हैं कैंटीन में क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे। ये कैंटीन है गाइज यहाँ की, देख सकते हो आप, मिठाई वगैरह रखी हुई है यहाँ पे तो काफ़ी सारी, 160 रुपये किलो है। बेसन बर्फी है 250 रुपये किलो, नारियल बर्फी 260 रुपये किलो है, ठीक है। रेट देख लीजिए आप, मैं दिखा रही हूँ आपको, बेसन बर्फी 160, बेसन बर्फी दो स्पेशल बेसन बर्फी है 250, और नारियल बर्फी है 260 रुपये किलो, ठीक है। अब ये है पीनट बर्फी 400 रुपये किलो, ये देखिए गाइस, ये पीनट्स भी मिल रहे हैं यहाँ पे, ये आप ले सकते हो। और ये क्या है, आयंथिक ये मट्ठी, और ये शक्करपारा है, ये देख सकते हो आप, मट्ठी है ये, देखिए गाइस ये इस तरह से है। ये बिस्किट है सामने, ये देखिए ये आलू के पकौड़े हैं, ये देखिए गाइस, ये इस तरह से पूरा कैंटीन का सामान है। चलो अब कैंटीन दिखा दी, अब ये देख लो कैंटीन यहाँ की, ये लिखा है आलू पकोड़ा, ब्रेड पकोड़ा, कचौड़ी 10 रुपये, समोसा 10 रुपये, पेटीज नमकीन 10 रुपये, जलेबी 130, ढोकला 160, ठीक है। तो देखिए गाइस, अब मैं आपको दूसरी साइड लेकर आ चुकी हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है देव संस्कृति, ठीक है। और ये देखिए कैंटीन एक बार साइड से भी दिखा दूँ, काफ़ी बड़ी कैंटीन है गाइस ये भी। कितने सारे बच्चे भी आए हुए हैं घूमने के लिए, बॉयज़ गर्ल्स बहुत सारे आए हुए हैं। सॉरी, एजुकेशनल टूर, ओके एजुकेशनल टूर है, ओके okay. मुझे लगा वहाँ पे स्कूल से आए हो आप लोग, ठीक है। तो गाइस ये बच्चे आए हैं स्कूल से घूमने के लिए, लेके आए हैं इनको, एजुकेशनल टूर है वो, देखो वहाँ पे भी सारे लोग घूम रहे हैं। और ये देख सकते हो
गेट नंबर 2 है, वो 1 था जो मैंने पहले दिखाया था। मैंने जब एंट्री की थी तो वो गेट नंबर 5 था, उसके बाद में मैंने आपको गेट नंबर 1 दिखाया और ये है गेट नंबर 2। तो देख सकते हो आप, काफ़ी अच्छा है ये भी बना हुआ। तो चलो हम भी देखते हैं चल के गाइस कि ये लोग हमें वीडियो बनाना अलाउ करेंगे या नहीं। बट चलो जो भी है, वीडियो बनाने देंगे तो ठीक है, वरना मैं तो देख ही लूँगी अंदर से। ठीक है, आप लोगों को ये दिखा रही हूँ बाहर से जितना दिखा सकती हूँ। अभी तो मॉर्निंग में बंद है, पानी वगैरह सब सुखा रखा है इसका। तो देखिए देवात्मा हिमालय मंदिर बहुत सुंदर है, मेरे महादेव जी की मूर्ति बनी हुई है आगे, प्रतिमा ऊपर की तरफ, देख सकते हो आप कितनी सुंदर है। तो देखिए गाइस कितने सारे बच्चे आए हुए हैं, कितनी अच्छी उन्होंने फ्लोरी बनाई हुई है, काफ़ी सारे सुंदर सुंदर फूल हैं यहाँ पे, देखिए बहुत सुंदर है। देखिए ये जूते चप्पल उतारने का, यहाँ पे कितने सारे बच्चे आए हुए हैं देखने के लिए, बहुत सुंदर गाइज। यहाँ लिखा है शांति कुंज की दिनचर्या, अगर आपको जानना हो तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो। थोड़ा बड़ा करके दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए, ठीक है ये देखिए। जागरण है सुबह 3:30 बजे, प्रार्थना 3:35, आरती 4 बजे और ध्यान साधना 4:30 बजे, अमृतवाणी 5:05 पर है गाइज। ठीक है, ये है अप्रैल से सितंबर और अक्टूबर से मार्च में है जागरण सुबह 4 बजे और प्रार्थना 4:05 पर, आरती 4:30 बजे और जी ध्यान साधना है 5 बजे और अमृतवाणी है 5:35 पर। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपको यहाँ की दिनचर्या जाननी है तो। और ये भी एक शौचालय बना हुआ है मेल फीमेल दोनों का साइड में, ये देखिएगा ये लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं असंभव होता। काफ़ी अच्छा सुंदर सुंदर यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हो आप, पढ़ सकते हो, काफ़ी सुंदर है। ये देखिए गाइस, ये रजाई गद्दे, ये गद्दे हैं अगर आप यहाँ पे रुकते हो। ये देखो सीसीटीवी कैमरा है यहाँ पे भी, अगर आप रुकते हो तो इस तरह के गद्दे आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, चादर और गद्दे नीचे बिछाने के लिए, जिसका आपको सिर्फ ओनली 5 रुपीज़ देना होगा चार्ज। और जब आप जाओगे तो उनको आपको रिटर्न करने के बाद में जाना पड़ेगा, और आई थिंक वहाँ से आपको कुछ स्लिप वगैरह दी जाएगी गद्दे देते वक्त, जो कि आपको दिखानी होगी इनको रिटर्न करते समय। और एक ये शौचालय, ये भी देख सकते हो आप, ये भी बना हुआ है यहाँ पे महिला और पुरुष के लिए, काफ़ी सारे हैं यहाँ पे डस्टबिन और शौचालय कैंटीन के सामने, काफ़ी बड़ा है। तो गाइस अब हम आ गए हैं वहीं पर बाहर की तरफ ही, जहाँ से हमने शुरुआत की थी अपनी जर्नी की। ये देखिए पीने का पानी है, बच्चा मुँह धो रहा है, ये नहीं पता पीने का पानी है या वैसे ही है हाथ में धोने के लिए। तो चलो चलते हैं। तो देखिए गाइस अब हम वापस से आ गए हैं मेन गेट के सामने, यानी कि 5 नंबर गेट के सामने, और अब हम यहां से वापस जा रहे हैं। तो अब यहां से बाहर जाने के बाद देखते हैं हमारी नेक्स्ट लोकेशन कौन सी रहने वाली है। तो अभी टाइम गाइस हो चुका है, टाइम बता देते हैं आपको, टाइम गाइस हो चुका है 4:15 के आसपास टाइम हो चुका है, 4:10। और अब देखते हैं आते समय तो इन्होंने आधार कार्ड देखने के बाद में हमें एक स्लिप दी थी, यानी कि पास कह सकते हो आप उसको, छोटा सा पास बना के दिया था जिसको दिखा के हम अंदर एंटर हुए। तो देखिए सामने से ट्रक आ रहा है,
और सारी धूल उड़ा दी गई इस तरफ में। देखिए कितनी धूल आ रही है, बहुत धूल है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, देख सकते हैं आप, मेटीरियल रखा हुआ है, रेत, बदरपुर, रोड़ी वगैरह, ईंटें भी हैं, देख सकते हैं। तो ये सामने बिल्डिंग बन रही है, पता नहीं आश्रम ही बन रहा है, ये आश्रम की बिल्डिंग बन रही है पता नहीं मुझे, बट अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है यहाँ पे, तो थोड़ा सा धूल वगैरह भी आपको मिलेगी। और देखते हैं अभी जाते समय भी हमें इनको वो स्लिप वापस करनी है या नहीं जो इन्होंने हमें बना के दी थी। तो ये देख सकते हैं, इसके अंदर दिखा देते हैं आपको सामान और चीज़ें हैं यहाँ पे सारी। तो ये प्रज्ञा पे, ये देखिए गाइस, इस तरह की चाय वगैरह आप ले सकते हैं, इसका नाम है प्रज्ञा पे हर्बल टी। तो गाइस मैंने भी ये वाले, देखो आपको दिखा देती हूँ ये, तो गाइस मैंने भी ये 3 पैकेट लिए हैं अपने लिए चाय के, तो मैं इसको यूज़ करने के बाद में बताऊँगी। और ये शायद हवन सामग्री का पैकेट है जैसे, तो आप ये भी ले सकते हैं यहाँ से, अगर पूजा वगैरह में हवन करते हो आप तो उसमें डालने के लिए। ये दरी है, यहाँ से ये दरी है, फुट मैट है ये काफ़ी सारे, तो ये देखिए काफ़ी सुंदर सुंदर फुट मैट है। ये चेयर रखी हुई है, चेयर तो बैठने के लिए है इनके। और ये देखिए काफ़ी सारे कैलेंडर हैं, भगवान के भी हैं और इनका भी है, माता जी का, बहुत सुंदर है। देखिए गाइस पूरा ही है ऐसा है, और इधर सारी बुक्स लगी हैं सेल्फ में, देख सकते हो आप, हर तरह की बुक्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ग्रंथ वगैरह और आर्थिक स्वावलंबन, काफ़ी सारी बुकें आपको, धार्मिक बुकें आप यहाँ से ले सकते हो पढ़ने के लिए, तो काफ़ी सारी हैं। देखो मानव प्रगति एवं पर्यावरण, काफ़ी अच्छी हैं बुक्स सारी। ये देखिए ट्रॉली, अगर आप यहाँ से ज़्यादा बुक लेना चाहते हैं तो इसमें भी लेके जा सकते हैं। ये देखिए गाइस इस तरह का, ये मरणोपरांत की एक बुक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलो यहाँ पे हर तरह की बुक्स आप ले सकते हो, धार्मिक बुकें यहाँ पे काफ़ी सारे कलेक्शन है, और काफ़ी अच्छा अच्छा कलेक्शन है यहाँ पर बुक्स का, ये देख सकते हो गाइस, बहुत सुंदर है बहुत ही। तो देखिए गाइस अब हम बस आ चुके हैं मेन गेट के पास ही, एक बार फिर से आगे जाते जाते दिखा देते हैं। फ्लैग देख रहे हो हमारे इंडिया का फ्लैग, कितना सुंदर लग रहा है, काफ़ी बड़ा है, बहुत सुंदर फ्लैग लग रहा है हमारा। और ये हाथ धोने के लिए एक टैप इन्होंने यहाँ पे भी दिया है भैया, बैठ हाँ हैंड वॉश कर रहे हैं यहाँ पर। तो चलो गाइस बंद करती हूँ, बाहर निकल के बात करते हैं। तो देखिए गाइस बाहर आ चुकी हूँ मैं, और वो जो पास इन्होंने बना के दिया था वो ले लिया है इन्होंने, आते समय हमसे बाहर आने से पहले ही हमें वो पास रिटर्न करना पड़ा उनको ही। और यहाँ पे देखिए इस तरह के ऑटो खड़े हुए हैं यहाँ पे काफ़ी सारे लाइन से, तो अभी मैं देखती हूँ इनसे क्या चार्ज करते हैं, ये शेयरिंग में भी जाते हैं या अपना पर्सनली करना होता है। तो चलो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, पहले ऑटो कर लेती हूँ नेक्स्ट लोकेशन के लिए। ओके तो देखिए गाइस हमने ना बाहर रोड से रिक्शा किया है, शेयरिंग रिक्शा, 20 रुपये सवारी लेते हैं वो यहाँ से शेयरिंग रिक्शे में, देख सकते हो आप, बैठ चुकी हूँ मैं रिक्शे में, और ये हमें लेकर जाने वाले हैं, मतलब मुझे हर की पौड़ी, तो हर की पौड़ी अब मैं जा रही हूँ आप लोगों को लेके। तो देखते हैं वहाँ जाने के बाद पैदल का डिस्टेंस कितना रहने वाला है। और अगर आप गाइस आप पर्सनल ऑटो करते हो ना यहाँ से, तो 200 रुपये लेते हैं हर की पौड़ी तक जाने के, कोई 150 बोलेगा, कोई 200, लेकिन आप बाहर आके शेयरिंग ऑटो से जाना, जिससे कि आपकी थोड़ी सेविंग भी हो सके। ओके तो चलो चलते हैं, और साथ साथ आपको रास्ता भी दिखा रहे हैं, तो देखते चलिए रास्ता। और ये ब्रिज भी बना हुआ है, एक तरफ साइड में ब्रिज है और दूसरी तरफ ये बिल्डिंग्स बन रही हैं, कुछ बन चुकी हैं, शॉप भी हैं यहाँ पे, ढाबे भी हैं खाने के लिए, रेस्टोरेंट भी है, नई बिल्डिंग भी बन रही है, तो आपको ओवरऑल सब कुछ देखने के लिए मिलने वाला है इस रास्ते पर। तो चलो देखते हैं कितनी देर लगती है हमें यहाँ से शांतिकुंज आश्रम से हर की पौड़ी तक जाने में। तो गाइस अभी मैं आपको टाइम बता देती हूँ, अभी टाइम हुआ है 4:15, तो देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं। तो मिलती हूँ आपसे आगे पहुँच कर। ओके
गाइस आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे फिर अनदर व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। And it heals you when it's done. Thanks to all for watching my vlog. So we'll see you in the next vlog. We'll be continuing to next vlog. Thank you so much guys for supporting me. Till then, take care. Bye-bye.